आज हमने हमारे लेजेंड्स को, उन खिलाड़ियों को जिन्होंने कबड्डी का खेल हमारे सामने रखा, उनको ऑनर किया और उनकी इज्जत अफजाई करी, जहां पर लीग कमिश्नर अनुपम गोस्वामी जी ने अनूप कुमार, मंजीत छिल्लर, अजय ठाकुर, शेरालाथन अन्ना एंड रिशांग देवाड़ीगा, इन सबको ऑनर किया। और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल मौका है, ये हजारवां पंगा है जो कि खेला जा रहा है। लेकिन आज की शाम को हम तक पहुंचाने के लिए उन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस खेल को हम तक रखा, और इन दो लेजेंड्स को मैं बुलाना चाहूंगा छाती ठोक के, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर अनूप कुमार एंड मंजीत छिल्लर। थैंक यू मंत्रा, थैंक यू सुधा। अनूप, PKL की शुरुआत यूमुम्बा के साथ हुई थी, आप उस दिन मैट पर थे, सीजन 1 से लेकर सीजन 10 तक आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है? बहुत सारे मोमेंट है, पर सेकंड सीजन में जब हमने ट्रॉफी उठाई थी वो सबसे मेमोरेबल है और हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत ही। और ये अनुप भाई, पहचान रहे हैं इन्हें आप? ये इनका देने नाम है। बिल्कुल मंत्रा भाई, ये तो यादें हैं, हमेशा रहेंगी और साथ रहेंगी जीवन भर। बिल्कुल, अनूप कुमार कैप्टन कूल, जिन्होंने अपने ना केवल खेल से बल्कि अपनी सादगी से और अपने अंदाज से हम सबका दिल जीता है। भाई साथ में वो डिफेंडर जिसे देखकर रेडर आते से अपने आप पलट के चला जाया करता था, मंजीत छिल्लर, इस लीग के आप इस वक्त अब भी इतने महीनों के बाद भी, इतने सीजन के बाद भी आप टॉप डिफेंडर्स में से एक है, नंबर दो डिफेंडर आप बन के रह गए हैं, लेकिन आपके सामने आज भी रेडर्स वैसे ही थर थर कांपते हैं। फजल आपसे खेलते खेलते आगे निकले, उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले, क्या फील रहता है जब आप डिफेंडर्स को अच्छा करते हुए देखते हैं, रेडर्स पर हावी होते हुए देखते हैं? और क्या उनका डोमिनेंस बढ़ा है इस सीजन स्पेशली? देखो, मैं तो सभी खिलाड़ियों को यही कह रहा हूँ, और जितने भी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, तो मेरे वर्ल्ड में कबड्डी है और मैं कबड्डी के लिए अच्छा ही सोचता हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ ये लीग बहुत और ऊपर जाए, और 1000 मैच है, मैं तो सोच रहा हूँ जब 1,00,000 मैच हो, जब हम एज तो अनूप की और मेरी ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी हम आए।